देखो सर, हमारे पास सीधा सीधा सा है, अगर हम बात करते हैं, आप लोग सब बच्चे सीख लीजिए पहले, तो जब हम 10th में पहुंचे ना, तो 10th के अंदर थोड़ा सा सिर्फ इतना हुआ कि हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX+B। इसमें एक ही जीरो होता है अल्फा, इसमें माइनस। थोड़ा सा समझ लीजिए सब बच्चे, एक्चुअली हमारे पास जो 10th वाला पोर्शन है उसमें क्या चीज है वो आप लोग समझ लीजिए। एक्चुअली होता क्या है, सारे बच्चे जरा ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए, 10th वाले पोर्शन में आया क्या। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमने 9th में पढ़ लिया उससे आगे की बात है कि भाई हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, या चलिए यहां से करते हैं कि हमारे पास है PX=A, इसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसमें कोई जीरो नहीं, नो जीरोस। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए, ये पॉलिनोमियल कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब आपको लिख के दे दे PX=3। अब आपसे पूछने लगे फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो सर ये होगा ही नहीं, ठीक है, कभी नहीं होगा। आप एक्स की जगह जीरो रखिए, प्लीज माइक को म्यूट रखिए अपने, तब भी ये 3 ही आना है। एक्स की जगह 1 रखिए, ये तब भी 3 ही आना है, ठीक है। एक्स की जगह 2 रखिए, ये तब भी 3 ही आना है। वॉट एवर यू कैन पुट बट द रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो इसे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो यहाँ पे नो जीरोस होते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म PX=A ही होता है। और मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था जो जामिया में पूछा गया था इस पे, अभी एक बार फिर देख लेंगे उसे। दूसरा हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो 1 होती है। तो ये हमारे पास है AX+B। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो जीरो हो सकता है वो हमारे पास 1 हो सकता है, उसको हम कहते हैं अल्फा। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे सर, 1 इसका है। आंसर PQ=R होगा सर। अभी देखिए, अब अल्फा जो होता है वो -B/A होता है। अगर मुझे डायरेक्ट अल्फा निकालना हो तो वो -B/A। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है AX²+BX+C, ये हमारे पास होता है। और हमारे पास यहाँ 2 जीरोस हो सकते हैं, हो सकते हैं का मतलब ये जरूरी नहीं है कि जीरोस हों, लेकिन अगर होंगे तो मैक्सिमम 2 ही होंगे। मैक्सिमम का पता है, मिनिमम का नहीं पता, मिनिमम 0 भी हो सकता है कि कोई 0 नहीं। तो यहाँ क्या होता है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा -B/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है AX³+BX²+CX+D। यही हमारा क्वेश्चन है जो भी हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर होती है 3, और जो मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं वो हमारे पास 3 हो सकते हैं, और उनका हम जो नाम लिखते हैं वो हम लिखते हैं अल्फा एंड बीटा एंड गामा। यहाँ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो -B/A होता है, और अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा वो जो होता है वो C/A होता है, और अल्फा बीटा गामा वो होता है -D/A। तो ये 3 है, वैसे तो बाई क्वाड्रेटिक भी होता है जिसकी पावर 4 होती है, उसके जीरोस का सम भी हम ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो 3 पे ही हैं, तो इसी पे थोड़ा सा सब्र रखिए। अब इसको दोबारा से देखिए, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा सब बच्चों को, कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक है लीनियर पॉलिनोमियल
और वो है ए एक्स प्लस बी। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि एक ही साथ ही सारे फॉर्मूले आ जाएंगे जिसमें हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो हमारे पास क्या है, पहले वाले में सिर्फ एक ही जीरो होता है दैट इज अल्फा, दूसरे वाले में मैक्सिमम टू जीरोस होते हैं दैट इज अल्फा बीटा, और तीसरे वाले में तीन जीरोस हो सकते हैं अल्फा बीटा का। ये मैं पास। अब आपको क्या रखना है कि हमें सम लेना है, सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट ए टाइम। सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट ए टाइम। अब अगर सम ऑफ जीरोस लेना है लेकिन एक को एक ही बार लेना है, तो पहले वाले ऑप्शन में तो सिर्फ हमारे पास अल्फा ही आएगा, दूसरे वाले में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आएगा, तीसरे वाले में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा। तो अब इन सब के लिए एक ही रूल है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस टेकन वन लेना है, एक को एक ही बार लेना है, तो वो हमेशा b अपॉन a होगा, इन ऑल b अपॉन a। तो इंडिविजुअल का सम इन तीनों ही केसेस में b अपॉन a होना है। तो ये हो जाएगा b अपॉन, ये भी हो जाएगा b अपॉन a, और ये भी हो जाएगा b अपॉन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो अगर आपको दो के प्रोडक्ट का सम लेना है तो पहले वाले के लिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक ही जीरो है तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट हो सकता है, तो वो हो सकता है अल्फा बी, और क्यूबिक में भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो 2 का प्रोडक्ट क्यूबिक वाले में क्या होगा कि भाई अल्फा का बीटा के साथ आ सकता है, बीटा का गामा के साथ आ सकता है, अल्फा का गामा के साथ आ। तो अब हमारे पास क्या होता है कि 2 का जो सम होगा वो हमेशा b से आगे जाइए, तो b से अगर आगे जाएंगे तो वो होगा c, तो वो हमेशा c अपॉन a आएगा, क्वाड्रेटिक में भी और क्यूबिक में भी। तो ये होता है c अपॉन, और यहां भी क्या होगा c अपॉन। अब हमें लेना है 3 का सम ऑफ जीरोस, ठीक है, टेकन 3 एट ए टाइम। तो लीनियर में 3 नहीं होते, क्वाड्रेटिक में 3 नहीं होते, तो क्यूबिक में 3 होते हैं। तो यहां पे हम तीनों को अगर एक साथ लेंगे तो बस ये एक ही साथ आ जाएंगे, इनका कुछ सम भी नहीं बन पाएगा, तो वो होगा अल्फा बीटा गामा। तो हम b अपॉन a ले चुके, c अपॉन a ले चुके, अब हमें d अपॉन a लेना है, तो लास्ट वाला हमारे पास होता है d। तो ये रूल है कि सम ऑफ वन बी अपॉन ए, अपॉन में ए आना है, वन के लिए बी, टू के लिए सी, थ्री के लिए डी। सब बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। ठीक है, यस सर। अब होगा क्या, अब आप वापस आइए कि पहला वाला जो था बी अपॉन ए वो माइनस से स्टार्ट होगा, तो हमेशा बी अपॉन ए माइनस में आएगा, और 2 वाला जो है प्लस हो जाएगा, पहला माइनस फिर प्लस, तो दूसरा वाला प्लस हो गया, तीसरा वाला फिर माइनस हो जाएगा, तो d अपॉन a माइनस। इस तरह से साइन लगते हैं, इस तरह से ये रूल हमेशा याद रहता है। सब बच्चों को ये बात समझ में आई कि अगर हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा b अपॉन a और अल्फा बीटा c अपॉन a, पहला माइनस दूसरा प्लस। अगर हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वन का सम है तो बी अपॉन ए आना है लेकिन माइनस, टू का सम है अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, तो सी अपॉन ए आना है लेकिन प्लस, पहला माइनस फिर प्लस फिर अल्फा बीटा गामा आना है तो माइनस की। तो ये हमारे पास, तो इस पे बेस्ड आपका वो क्वेश्चन,
तो ये रूल समझ में आ गया आप सब बच्चों को? यस सर। ये लिख लो एक बार, एक बार पेन से ये लिख लो, थोड़ा नींद भाग जाएगी, जो नजर आ रहा है किसी को लिखो, फिर उस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, फिर देखो समझ में आएगा।